नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लल्लन टॉप सीरीज। तो मैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला सवाल है, सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी बैंक का मुख्यालय है लखनऊ। तो सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। अगर आपको पूछ ले सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई, तो सिडबी बैंक की स्थापना हुई थी 1990। कब हुई थी? 1990 में। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। तो 1 जनवरी 1949 में। अगर आपको पूछ ले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस समिति की सिफारिश पर हुआ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ। किसकी सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है दिनेश खारा। कौन है? दिनेश खारा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन है? तो स्टेट बैंक चेयरमैन है दिनेश खारा। अगला क्वेश्चन है, आपका भला सबकी भलाई किस बैंक का ध्येय वाक्य है? तो आपका भला सबकी भलाई बंधन बैंक का ध्येय वाक्य है। किसका? बंधन बैंक। तो आपका भला और सबकी भलाई किस बैंक का ध्येय वाक्य है? तो बंधन बैंक का ध्येय वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला पेमेंट बैंक है एयरटेल। तो भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? तो एयरटेल। अगला क्वेश्चन है, पीएनबी बैंक में किन दो बैंकों का विलय हुआ? तो पीएनबी बैंक में एक का नाम है यूनाइटेड बैंक, एक का है ओरिएंटल बैंक। एक का नाम है यूनाइटेड बैंक, एक का नाम है ओरिएंटल बैंक। तो पीएनबी बैंक में दो बैंकों का विलय हुआ, एक तो है यूनाइटेड बैंक और एक है ओरिएंटल बैंक। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पारित हुआ? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में पारित हुआ। कब हुआ? 1949 में पारित हुआ। अब देखिए आगे, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई। किसकी सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई। अगर आपको पूछ ले कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो नाबार्ड का मुख्यालय है बम्बई। तो अगर पूछ ले नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में, और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। कहाँ पर? मुंबई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। कहाँ पे हुआ? नागपुर में। अगर आपको पूछ ले विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी। कब मनाते हैं? 10 जनवरी। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में भाषाएं थी 14। कितनी? 14। अगर आपको पूछ ले कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं,
तो वर्तमान में है 22 भाषाएं। अगर आपको पूछ ले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो 14 थी। अगला क्वेश्चन, संघ की आधिकारिक भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संघ की आधिकारिक भाषाएं संविधान के आर्टिकल 343 में है। तो संघ की आधिकारिक भाषा संविधान के 343 में है। अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन थे? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार राम सुतार। कौन? राम सुतार। कतई जहर वाला क्वेश्चन की स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? तो राम सुतार। अगर आपको पूछ ले कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के कहाँ पे है तो केवड़िया गांव गुजरात। कहाँ? केवड़िया गांव गुजरात। कितने फिट हैं? 182 फिट। अगर आपको पूछ ले स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और वास्तुकार कौन है? राम सुतार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काकरा पार परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे है। कौन? काकरा पार परमाणु संयंत्र ताप्ती नदी। अगर आपको पूछ ले कि ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है। कौन सा? सूरत। कतई जहर वाला क्वेश्चन। आगे देते हैं क्वेश्चन, अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो कल्लण की पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजाओं की नदी। अगर आपको पूछ ले राजतरंगिणी में किसके बारे में वर्णन किया गया है तो जम्मू कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। तो कल्लण की कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी। कौन सी है? राजतरंगिणी। इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला है, विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन सी है? तो विश्व की तटीय सीमा कौन सी है? कनाडा की। अगर आपको पूछ ले भारत की तटीय सीमा किसकी है तो हैदराबाद की। तो विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है? कनाडा। किसकी है? कनाडा। अगर आपको पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन सी है तो हैदराबाद की। अगला क्वेश्चन, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, पोत संग्रहालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो पोत संग्रहालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? कहाँ? लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात। तो पोत संग्रहालय लोथल में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में स्थायी नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 35A। कौन सा? 35A। अगला क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जेलम नदी पर स्थित है। और जेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? वितिस्ता। जेलम नदी। अगला क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ और मध्यस्थता किसने की? विश्व बैंक ने। अगर आपको पूछ ले कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। अगर आपको पूछ ले कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है तो वाशिंगटन DC। अगर आपको पूछ ले कि विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो डेविड मालपास। ठीक है, तो सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में। ठीक है,
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान उद्यान कौन सा है? तो है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख। कहाँ पे है? लद्दाख। अगला क्वेश्चन, सियाचिन पर विजय के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो सियाचिन पर विजय के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। और सियाचिन पर विजय कब की? 1984 में। कब? 1984 में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत लौटने पर पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण। कब किया? 1917 में। और चंपारण कहाँ है? बिहार में। कहाँ? चंपारण। कब? 1917 में। और चंपारण कहाँ है? बिहार में। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या है? तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम है सुषमा स्वराज भवन। हाल ही में सुषमा स्वराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया 2020 में। क्या है? सुषमा, सुषमा स्वराज भवन, सुषमा स्वराज भवन। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर। कौन है? जयशंकर। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में कौन सी उपाधि त्यागी? तो केसरे ए हिंद की उपाधि त्यागी। और असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। कौन सी उपाधि त्यागी? केसरे ए हिंद की उपाधि त्यागी। और असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं आगे, अशफाकुल्ला खां चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया 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 जा रहा है? तो गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीट किस राज्य की है? तो है किसकी है? उत्तर प्रदेश। किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। तो लोकसभा की सीट कितनी है? 80। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 31। ठीक है, तो सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीट किसकी है? उत्तर प्रदेश की। अब देखते हैं महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास। तो मालाबार युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच में है? तो है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो मालाबार युद्ध अभ्यास किन किन बीच के? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और शक्ति शक्ति है भारत और फ्रांस के बीच। और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। और अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड। तो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास मालाबार, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड के बीच। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगर आपको पूछ ले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जुल्फों वाली। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका।
कौन सी है? टका। अगर अगला क्वेश्चन, शेख मुजीफर रहमान को कौन सी उपाधि दी गई? तो शेख मुजीफर रहमान को बंग बंधु की उपाधि दी, बंग बंधु की उपाधि दी। कौन सी? बंग बंधु की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन, संप्रति युद्ध अभ्यास किसके मध्य हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली कहां स्थित है? तो साइलेंट वैली है केरल, कहां स्थित है? केरल में। अगला क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया? तो राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की सहायता से। दोस्तों, दो मिनट के लिए लाइट चली गई थी, इसलिए आगे देखते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया? तो किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। और कहां लगाया गया? उड़ीसा। कहां लगाया गया? उड़ीसा में, ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया? जर्मनी में। और कहां लगाया गया? उड़ीसा में। अगर आपको पूछ ले कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, कलिंग, और कलिंग पर अशोक ने 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है? तो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की है। किसकी? उड़ीसा की। पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है? भुवनेश्वर। कौन सी है? अगर आपको पूछ ले कि भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है, तो वो है शिलोंग। कौन सी? अगर आपको पूछ ले 100वीं, तो शिलोंग। कौन सी है? शिलोंग, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, असम के पांच लल्लन टोप सवाल। तो असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो है सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। तो असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया। अगला क्वेश्चन, असम की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? शहीद अनबरा तैमूर। कौन थी? शहीद अनबरा तैमूर, ठीक है। तो असम की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? शहीद अनबरा तैमूर। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। यह है माजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला क्वेश्चन, असम में कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग है? तो नेशनल वाटर टू, जो किसको जोड़ता है? जो ढूंबरी को सादिया से जोड़ता है। अगले तमिलनाडु के बारे में लल्लन टॉप सवाल। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर। किसे? कोयम्बटूर। किसे कहते हैं? कोयम्बटूर। अगला, मदुराई किस नदी के किनारे स्थित है? तो वेगई नदी के किनारे स्थित है। किसकी नदी के किनारे? वेगई नदी। किस नदी के किनारे है? वेगई नदी के किनारे। तो कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र में किस देश का सहयोग है? तो किस देश का सहयोग है? रूस का। किसका? रूस का। और कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र किस देश का सहयोग है? तो रूस का। और है कहां? तमिलनाडु का। तो असम में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो है नेशनल वाटर टू, तो जो ढूंबरी को सादिया से जोड़ता है। ये थी आज की लल्लन टॉप क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, और हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।